कौन है और क्या है उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि वो लोग खुद किए होंगे ये सब, उनके सर पे लिखा हुआ नहीं आता है कि वो बजरंग दल के हैं या कहीं और के हैं। जो लोग मनाते हैं ओपनली गुलाब का फूल देते हैं या ऑफर करते हैं, ये हमारी सभ्यता के विरोध में है। हेलो एंड वेलकम, आरनाइन टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। वेलकम करती हूं आप सभी का हमारे बेहद ही खास शो इधर लट उधर प्यार में। प्यार का महीना चल रहा है, यानी कि फरवरी का महीना है, और फरवरी के महीने में वैलेंटाइन की धूम चारों तरफ देखने को मिलती है। पर कहा जाता है कि प्यार के इजहार के लिए कभी भी वक्त नहीं देखना चाहिए, जब दिल कहे आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। पर वैलेंटाइन के दिनों में प्यार का इजहार लोग खुलकर करते हैं और खुलकर इस वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करते हैं। पर वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करना कितना सही कितना गलत है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोगों को ऐतराज है, जहाँ देखो इश्क की हवाएं, प्यार की मीठी खुशबू है, मोहब्बत का नशा है। वैलेंटाइन डे के दिन का इंतजार हर प्यार करने वाले को बड़ी बेकरारी से रहता है, लेकिन जब ये मौका आता है तो फिर हंगामा क्यों शुरू हो जाता है, आपको पूरी कहानी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। वैलेंटाइंस डे को लेकर यंगस्टर्स एक्साइटेड हैं, तो वहीं विरोध करने वाले भी फुल तैयारी में हैं। कहा जाता है कि ना तो प्यार किसी को बांध सकता है और ना ही प्यार पर किसी का पहरा हो सकता है, मगर वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों, कई संगठन प्यार करने वालों को खुली चेतावनी देते नजर आते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने वालों की भी अलग अलग राय देखी गई है। युवा मानते हैं कि वैलेंटाइन अपने प्यार को सेलिब्रेट करने का महज एक बहाना है, वहीं विरोध करने वाले मानते हैं कि ये प्यार नहीं बल्कि अश्लीलता का प्रदर्शन है, जो कि भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे में हाल ही में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने वैलेंटाइन डे मनाने वालों को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कानून सजा देगा, और जो भी वैलेंटाइन डे के नाम पे अश्लीलता फैलाएंगे उनको हिंदूवादी कार्यकर्ता थाने तक पहुंचा सकते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, प्यार रोज करें, प्यार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्यार एक दिन नहीं होता, रोज करें। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, हमेशा प्यार बांटते हैं। न केवल हिंदू सेना बल्कि कई अन्य संगठन हैं जो वैलेंटाइंस डे को लेकर विरोध करते नजर आते रहते हैं, लेकिन वैलेंटाइन पर जब हमने युवाओं से बात की तो उनका मानना है कि इसका विरोध बेवजह है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं नोएडा के एक बहुत ही फेमस मार्केट में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, तो चलती है तो चलिए जानते हैं इनसे क्या है वैलेंटाइन मनाने को लेकर इनकी राय। आपके नाम? सुकृत। तो आप क्या सोचते हैं वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर, आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि वैलेंटाइन डे का जो विरोध किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वैलेंटाइन डे का कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई भी दिन नहीं है। नहीं, हर एक लोग को अपना अधिकार है, जो कुछ करना है करे। सिगरेट और जो शराब होती है उससे पीने से भी कैंसर होता है, लेकिन हर एक आदमी अपने अधिकार के लिए पीता है कि जो कुछ होगा वो खुद से होगा। तो वैलेंटाइन डे अगर दो लोग तैयार हैं तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। वो लोग खुद कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर रहे, किसी के घर में घुस के नहीं कर रहे, इसलिए नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए इसका। लेकिन कई सारे लोग तो ऐसा मानते हैं, कई मतलब जो जैसे बजरंग दल है और कई सारे हिंदूवादी संगठन, धार्मिक संगठन, उनका कहना है कि जो युवा हैं वो पीड़िए करते हैं, अपना प्यार
सड़कों पे, मॉल्स में, ऐसे पार्क्स में, इन सब जगहों पे दिखाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बजरंग दल में कौन है और क्या है उनको खुद नहीं पता है। बजरंग दल में कौन है और क्या है उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि वो लोग खुद किए होंगे ये सब काम। जो बजरंग दल के लोग होते हैं उनके सर पे लिखा हुआ नहीं आता है कि वो बजरंग दल के हैं या कहीं और के हैं। वो लोग खुद लेकर बैठेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, और जब दूसरा लोग करेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं ठीक नहीं है। तो मैं बजरंग दल के बारे में, ये सब के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जो लोग प्यार करते हैं उनको कोई विरोध नहीं करना चाहिए। बात रही मॉल्स का, और वो तो अब इन्वायरमेंट के हिसाब से दुनिया डेवलप कर रही है, होना चाहिए। आप अपने दिमाग को बदलो, सोच को बदलो, बस यही बोलना चाहता हूँ। जहाँ लोगों ने कहा कि प्यार में सब जायज है, वहीं हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो शादीशुदा हैं और वैलेंटाइन को अपने अलग अंदाज में मनाना ही पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अनमैरिड कपल के साथ ये एक, मतलब ये एक चीज है कि वो लोग बाहर आके वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और जिसका फिर विरोध किया जाता है, तो उस विरोध को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं विरोध को तो गलत नज़र से ही देखता हूँ, कि विरोध क्या है कि जब भी अनमैरिड हो तब भी उनको ये सोचना चाहिए, तभी एक रिलेशन में एंगेज होना चाहिए, कि जब वो अपने उस रिलेशन को मैच्योरिटी पर ले जा पाएं। वो अनमैच्योरिटी पर रहता है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। अनमैच्योर जो भी रहती हैं चीज़ें ऐसे वैलेंटाइन पे, कि वैलेंटाइन हुआ उसके बाद टूट गए, रिलेशंस हो गए, ब्रेकअप हो गए, दैट वाज रॉन्ग। अगर आप ट्रू लव करते हो तो वैलेंटाइन मनाओ, अदरवाइज मत मनाओ। तो आप वैलेंटाइन मनाने में बिलीव करते हैं? हाँ, बिलीव करता हूँ। एक दिन ऐसा भी होना चाहिए, मतलब कुछ टाइम ऐसा भी होना चाहिए जो युवा यूथ है वो भी अपने आप को सेलिब्रेट कर पाए, अपने टाइम को सेलिब्रेट कर पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। सो मैं वैलेंटाइन मनाता हूँ, अपनी पत्नी के साथ मनाता हूँ। मैं बच्ची का फादर भी हूँ, स्टिल आई एम सेलिब्रेट, क्योंकि पिता बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं युवा नहीं हूँ। लोग जो वैलेंटाइन को लेकर ज़्यादातर विरोध ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि लोगों का बिलीव है कि वैलेंटाइन इंडिया, लाइक इंडिया की संस्कृति में नहीं है, यहाँ पे जो यूथ इसको मनाते हैं, इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडिया, इट्स फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। अच्छा डे होता है, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दिन मिला जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, कोई अपना गर्ल बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया जाता है, मतलब एक अच्छा फील होता है, कोई अपना बॉयफ्रेंड हमें प्रपोज करे, फोन फ्लावर लेके, मतलब एक रोमांटिक सा सीन हो, मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि अब जो पुराने सोच रखते हैं वो लोग मतलब ऐसे रखते हैं, आप आजकल को अभी 21st सेंचुरी में तो ऐसे कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि आप हर किसी का बॉयफ्रेंड है, कोई ये नहीं कि लाइक अरेंज मैरिज तो कोई करता नहीं है, सभी का पास अपना अपना बॉयफ्रेंड होता है। लाइफ इंजॉय एक बार मिलता है भाई, इंजॉय करो एकदम बिंदास। वैलेंटाइन वीक है, लोगों में कई सारी राय है इस वैलेंटाइन वीक को लेकर, हमेशा ही रहती है। कुछ लोग कहते हैं इसका विरोध होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं नहीं प्यार करना, प्यार है इजहार तो होना ही चाहिए, और कई कहते हैं कि अगर प्यार है तो हर दिन इजहार है। तो चलिए इसी पर हम कुछ लोगों से उनकी राय लेते हैं। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम शगुन। आपको मतलब वैलेंटाइन, जैसे ही वैलेंटाइन आता, मतलब नाम आता है, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या है वैलेंटाइन, क्यों मनाया जाता है, अचानक से कि ये इतना बड़ा एक फेस्टिवल कैसे हो गया ये? मैम, मेरा मानना है कि अगर प्यार है तो वो आपका 365 दिन है, ना कि ये हम फरवरी के 7 दिन। काफ़ी, मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कहीं ना कहीं। मैं तो आजकल ये भी देख रही हूँ कि सातों दिन एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, लेकिन निभाता कोई नहीं है, अगली बार नेक्स्ट ही मिलते हैं। मेरे को तो लगता है कोई भी डे के लिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। एक अच्छा मौका मिलता है कोई चीज़ सेलिब्रेट करने का, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो अच्छी बात है। इतने बिजी लाइफ में एक दिन अच्छे से स्पेंड करो, एंड मुझे लगता है हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। वैसे प्यार का इंतजार करने का कोई दिन नहीं होता, ये तो हाले दिल बयां हो जाता है, कहीं भी, कभी भी और किसी से भी। लेकिन ये किस्सा आज का नहीं है, प्यार पर पहरा तो कई सदियों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वैलेंटाइन
वैलेंटाइन का दिन यानी कि प्यार का दिन, और इस प्यार के दिन की शुरुआत जो है वो 7 फरवरी यानी कि रोज डे के दिन से ही शुरू हो जाती है। प्रेमी अपने प्रेमिका को रोज देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और अलग अलग दिनों को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पर जब 14 फरवरी आती है यानी कि वैलेंटाइन का दिन आता है तो लोग उसे अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पर एक दल और एक गुट ऐसा भी है जो उसका विरोध करते हैं। तो विरोध किस तरीके से किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। जहां एक तरफ वैलेंटाइन का शोर है तो दूसरी तरफ विरोध भी शुरू हो चुका है। अलग अलग संगठन वैलेंटाइन के विरोध में अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। जहां युवा वैलेंटाइन को प्यार का दिन मानते हैं, वहीं विरोध करने वाले भी इस दिन अपनी कमर कस लेते हैं। जहां युवा कह रहे हैं कि उनकी अपनी आजादी है, वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि आजादी के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ है। पिछले कुछ सालों में वैलेंटाइन की खुमारी यंगस्टर्स पर छाई हुई है। जब बात वैलेंटाइन की हो रही है तो विरोध करने वाले भी कहां पीछे रहते हैं, इसलिए अब आपके सामने हाजिर है विरोध की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां वैलेंटाइन के विरोध में पूजा का समारोह रखा गया है। इस समारोह में क्रांति शिवसेना पार्टी कार्यालय पर लठ पूजा की जा रही है। दरअसल इस पूजा में वैलेंटाइन मनाने वालों के लिए लठ पर तिलक लगाकर पूजा अर्चना की गई और मिशन था वैलेंटाइन के खिलाफ। इसके बाद लठ की मजबूती जांची गई, परखी गई और आखिर में प्यार करने वालों के खिलाफ तैयार हुआ ये लठ। 2 साल पहले मैं मेट्रो स्टेशन से जा रही थी तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी और हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन के जो स्टेयर्स होते हैं वहाँ पर कुछ कम एज के बच्चे 16-17 साल के थे और वैलेंटाइन डे का ही वो दिन था और उस तरीके से वो बैठे हुए थे और जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, तो हमें लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर गलत है क्योंकि वहाँ पर आपके बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ओपनली कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि जो यूथ है उसे थोड़ा सा हमारे जो भारत की सभ्यता है उसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैम, जैसे अभी आपने एक सामाजिक तौर पर इसकी नेगेटिविटी की बात कही, तो कहीं ना कहीं जैसे एक है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि हमें अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं एडमिट नहीं हूँ कि वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वैलेंटाइन डे को यूथ की बात नहीं करते हैं, सभी लोग वैलेंटाइन डे मनाएं, अपने एक्सप्रेस कर सकें अपने फीलिंग्स को। लेकिन मेरा कहना है कि हमें ये भी देखना है कि हम किस समाज को बिलोंग करते हैं। हमारा भारतवर्ष है, हमारे यहाँ सभ्यता, हमारी सभ्यता तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो हमें इस सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इस चीज को देखना चाहिए कि हमने सभ्यता के दायरे में किसी चीज को करते हैं तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है। आप उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, आप वैलेंटाइन डे मनाइए, अपने दोस्तों के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, अपने फ्यूचर जो प्लानिंग है उनके साथ मनाइए। बिल्कुल अच्छी बात है वैलेंटाइन डे मनाना। आपको ऐसा लगता है कि ये वैलेंटाइन डे की वजह से कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन या कुछ फ्रेंड्स या फिर कई सारे लोगों को ऐसे को जो इस मंशा से नहीं होते बाहर या उस मंशा से नहीं पेश आ रहे होते, उनको भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है? देखिए, वैलेंटाइन डे को हम लोगों ने 2 भागों में आज की डेट में बांट रखा है। एक हमारा जो जनरेशन है बिल्कुल मॉडर्नाइज हो चुका है, जहाँ पर हम वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल अपनी दुनिया में शामिल कर चुके हैं। अभी भी कुछ ऐसा हमारे देश में सेक्शन बचा हुआ है जहाँ पर कि वैलेंटाइन डे जैसी चीज़ों को हम गलत मानते हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों ही चीज़ गलत है कि आपने वेस्टर्नाइज कल्चर को अडॉप्ट किया है, अपने में शामिल कर लिया है, और कुछ जो लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं वो भी गलत है। तो मेरा यही मानना है कि
आप अपनी फीलिंग्स को, आप वेस्टर्नाइज कल्चर को एडॉप्ट करिए, लेकिन एक लिमिट में करिए, और भारत जो हमारी परंपरा है उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत तो है ही, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहे हैं, तो वो भी इसको एडॉप्ट करें, लेकिन दोनों ही एक एक्चुअल म्यूचुअल पोजिशन पे आ जाए, जहां पर कि हमारी सभ्यता भी बरकरार रहे, हमारे बड़े बूढ़ों की मान मर्यादा भी बरकरार रहे, और हम वैलेंटाइन डे बच्चे मनाए भी। वहीं समाज में अलग अलग संगठन वैलेंटाइन को कैसे देखते हैं, उस पर हमने लोगों से बात कर उनकी राय भी जानी है। एक तरफ जहां युवाओं में वैलेंटाइन को लेकर खासा उत्साह है, वहीं इसको लेकर विरोध भी, आए दिन विरोध की खबरें आ रही हैं। तो इस विरोध को लेकर क्या युवा सोचते हैं, क्या विरोध करने वाले सोचते हैं, और क्या अन्य लोग सोचते हैं, हम इस बारे में जानने के लिए पहुंचे हैं हमारे धर्म गुरु HS रावत जी के पास। उनसे हम जानेंगे कि युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं, धर्म जो लोग धर्म के नाम पे इसको लेकर विरोध कर रहे हैं उनकी क्या राय रहती है, या वो ऐसा क्यों करते हैं, या इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्या वो सही है, या इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ये सभ्यता का धर्म गुरु है, पूरे विश्व में यहाँ से ज्ञान फैला है, सभ्यता फैली है, आचरण फैला है, यहाँ वेदों का ज्ञान है, और वेद ज्ञान ये कहता है, उपनिषद ये कहता है आरुषि, कि हमारे अंदर एक लिहाज होती है, हमारे अंदर एक शर्म होती है, जानवरों में शर्म नहीं होती है, हमारे अंदर शर्म होती है, अगर हम शर्म को उतार के रख देंगे तो फिर हम जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो ये वैलेंटाइन डे जो लोग मनाते हैं ओपनली जा करके एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं या ऑफर करते हैं, ये हमारी सभ्यता के विरोध में है, हम इसको मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ सभ्यता दूसरे किस्म की होती है, जिसके हमारी समाज पे दुष्परिणाम होते हैं, दैट इज़ वाई इस दुष्परिणाम का हमारी संस्कृति पर बुरा प्रहार ना हो, हमारी संस्कृति दूषित ना हो, हमारे आचरण गंदे ना हो जाएं, इसलिए हम इसका विरोध करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में ये सब नहीं है, लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें भारतीय संस्कृति में प्यार और ऐसी कई सारी पौराणिक कहानियाँ रही हैं, जैसे राधा कृष्ण और दुष्यंत शकुंतला, तो ऐसी कहानियाँ भी कहीं ना कहीं, वो दौर कुछ और था, तब पवित्रता ज़्यादा थी, लेकिन ये कहानियाँ भी कुछ इसी टाइप की हैं। देखिए आरुष जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राधा कृष्ण का प्यार नहीं था, वो प्रेम था, दुष्यंत शकुंतला का प्यार नहीं था, वो प्रेम था, और प्रेम में और प्यार में बड़ा फर्क होता है। अभी आप इस वैलेंटाइन डे पर एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, एक लड़का चार लड़कियों को अगर प्रपोज करता है तो गलत है ना, और अगर कोई लड़की चार को इसी तरीके से ऑफर करती है, पांच को ऑफर करती है, तो ये सभ्यता के दायरे में नहीं आता है। अगर आपका किसी के साथ नेचुरल लव है, प्रेम है, तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप हमेशा के लिए कमिटमेंट उसके लिए होने चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि प्रेम होना चाहिए, मतलब प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जैसे विरोध करने वालों ने कई बार भाई बहन को ही मतलब नहीं छोड़ा है, उन्हीं को साथ अगर भाई बहन जा रहे हैं उनका आधार कार्ड मांग लिया, उनसे पूछ लिया, तो क्या इस टाइप का विरोध जो किया जा रहा है, जो एक मतलब एक मानसिकता बनाई जा रही है कि मतलब समाज में अगर कहीं लड़का लड़की बैठे हैं साथ में, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, तो उसका एक जो मतलब उसका उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? आरुषि, मैं धर्मगुरु के साथ साथ एक फिलोसोफर भी हूँ और राइटर भी हूँ। देखिए पहली बात तो कि कोई भी लड़का लड़की अगर बहन भाई हैं तो पार्क में कभी बैठ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये मानना है धर्म गुरु और धर्म से जुड़े लोगों का कि अपनी सभ्यता को बिना छोड़े मॉडर्न चीज़ों को अपनाएं, इंग्लिश बोलें, जीन्स पहने, घूमें फिरें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी सभ्यता को पीछे ना छोड़ें। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी के साथ ही वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो चुका है, और वैलेंटाइन वीक की शुरुआत के साथ ही युवाओं में वैलेंटाइन को लेकर उत्सुकता पूरी तरह से दिख रही है। जहां मार्केट्स लाल रंग के दिलों और गिफ्ट्स के साथ पटे पड़े हैं, वहीं युवाओं के दिल भी उस रंग को देखकर पूरे गुदगुदा रहे हैं। और इसी मौके पर जहां युवा एक तरफ ये सोच रहे हैं कि इस वैलेंटाइन को कैसे मनाया जाए, किस अलग तरीके से मनाया जाए, किस अलग अंदाज में मनाया जाए, वहीं इसका विरोध करने वाले भी ये सोच रहे हैं कि कैसे नए नए तरीके निकाल रहे हैं विरोध करने के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, जो एक कवि हैं और संघ विचारक भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ वैलेंटाइन को लेकर कुछ राय, वैलेंटाइन को लेकर क्या कुछ एक कवि सोचते हैं, वैलेंटाइन को लेकर एक संघ विचारक क्या सोचते हैं। जैसे कि आप एक कवि हैं
और कवि के तौर पर एक प्यार को कवि के तौर पर किसी को भी समझा पाना बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा होता है। तो कवि के तौर पर आप प्यार को किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, प्रेम जो है हर कवि ने कहा है, बड़े बड़े कवियों ने कहा है, बड़े बड़े शायरों ने कहा है कि प्रेम वास्तविकता में एक प्राकृतिक विषय है, एक शाश्वत विषय है। ये कोई कमर्शलाइजेशन का विषय नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम एक ऐसा विषय है जो दिल से दिल का रिश्ता है। तो दिल से दिल के जुड़ाव में मैं समझता हूँ कहीं भी इसमें ये वास्तविकता में बड़ा प्राकृतिक और नेचुरल है। किसी अपनी कविता के जरिए आप ये बताना चाहें हमारे दर्शकों को और युवाओं को कि प्यार एक मटेरियलिज्म नहीं है, प्यार और आज के दौर में जो मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है प्यार को लेकर, ये गिफ्ट्स का देना, कभी रोज़ डे, कभी प्रपोज डे, कभी टैडी डे, चॉकलेट डे, इस सब को ना करके प्यार की एक असल गहराई क्या है? देखिए, प्यार की जो असल गहराई है वो हम राधा और कृष्ण के रूप में देखते हैं, हम दुष्यंत शकुंतला के उस किस्से में देखते हैं जब उन्हें अंगूठी देख करके ये ध्यान में आता है कि वहाँ मेरी एक पत्नी रहती है जिस श्राप के कारण वो भूल गए थे। तो ये सब प्रेम की गहराई का विषय है। जब हमारे भारत में, जब हमारे आर्यवर्त हिंदुस्तान में जब इस विषय पर चर्चा होती है तो राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है और वो वास्तविकता में इतना प्राकृतिक है और उसका जो सौंदर्य है उसमें एक त्याग समर्पण की गाथा है। मीरा और कृष्ण का प्रेम देखिए, उस प्रेम में कहीं भक्ति दिखाई देती है, कहीं शक्ति दिखाई देती है। प्रेम जो है एक समागम है विचारों के मिलन का, तो प्रेम कहीं भी हो सकता है। प्रेम करने के लिए किसी गुलाब को देने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम करने के लिए किसी भिन्न भिन्न तरीके के जो है मटेरियलिस्टिक आइटम्स को देने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम भावनाओं का विषय है, तो मैं समझता हूँ चीज़ों का आदान प्रदान जब होने लगता है तो वो व्यापार कहलाता है और ऐसी व्यापारिक प्रथाएँ हमारे यहाँ पहले से होती रही हैं। जैसे कि संघ से एक बड़ी संख्या में युवा भी जुड़े हुए हैं और क्योंकि हमारे देश में पिछले कुछ 8-10 साल से ये जब से वैलेंटाइन का एक दौर शुरू हुआ है लोग इसे जानने लगे हैं तो बड़ी संख्या में इससे युवा भी जुड़ रहे हैं। तो जो युवाओं में ये दो मत हुए हैं वो उसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ये दो मत जो है, एक तो ये जो किस्सा है वो भूमंडलीकरण का किस्सा है। तो ये जो वैलेंटाइन का सिस्टम है ये वेस्टर्न कल्चर से जो आया है, मैं इस पे अपनी चार पंक्तियाँ सीधे कहना चाहता हूँ और ये समझेंगे आप कि क्या है। ये एक झांसा है। जब आप प्रेम को खरीदने का प्रयास करें, प्रेम के वाणिज्यीकरण का प्रयास करें, तो क्या है ये कि बड़ी जालिम है ये दुनिया, सुनिएगा आप, कि बड़ी जालिम है ये दुनिया के वादा तोड़ देती है, बड़ी जालिम है ये दुनिया के वादा तोड़ देती है, निवाला हाथ में देकर के मुँह से छीन लेती है और जिंदगी का भरोसा क्या, जिंदगी का भरोसा क्या, ये भी अपनी नहीं होती, किसी भी मोड़ पर आकर के दामन छोड़ देती है। तो प्रेम जन्म जन्मांतर का विषय है, युग युगांतर का विषय है। ये आप एक जन्म में नहीं बांध सकते या एक कर्म से आप नहीं से बांध सकते, और ये फूल देना लेना ये एक कर्म का विषय है। तो दीपक जी का मानना है कि अपनी जड़ों को ना छोड़ते हुए हम, हालांकि हम बदलावों को अपनाएं, मॉडर्नाइजेशन को अपनाएं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन को अपनाते अपनाते कहीं अपनी जड़ों को ना भूल जाएं। कैमरामैन केसर सिंह के साथ मैं आरुषि पुंडीर, नोएडा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। सभी वैलेंटाइन को लेकर अलग अलग तरीके से इसे मनाने को लेकर अपना अपना अंदाज़ अपनाते हैं लोग। किसी को रोज़ डे बहुत पसंद है, तो किसी को हग डे पसंद है, किसी को चॉकलेट डे बहुत पसंद है। लेकिन इस पूरे 7 दिन के दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस पूरे वीक कुछ ना कुछ डे, अलग अलग दिन रहता है और हर दिन अपने आप में एक खास है और इस खास दिन एक खास मैसेज है, एक खास उपहार है। और क्योंकि हम उपहार की बात कर रहे हैं तो मार्केट्स में तो कहीं ना कहीं ये पूरा वैलेंटाइन मार्केट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारोबार बन ही चुका है, लेकिन कमर्शियल साइट्स पर भी इसका एक बहुत बड़ा फैलाव शुरू हो चुका है। कमर्शियल साइट्स में भी इसे लेकर नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। कई सारी कमर्शियल साइट्स पहले से वैलेंटाइन को लेकर ऑफर्स निकालती हैं, तो कहीं ना कहीं 7 दिन के दौरान वैलेंटाइन
वीक में कई सारे अलग अलग तरह के अलग अलग वेबसाइट्स कई सारे ऑफर्स देती है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ वेबसाइट्स पे ऑफर्स दिखाना चाहूँगी। यहाँ हम एक ऑनलाइन कमर्शियल साइट्स पे हैं, साइट पर हैं, जो कि इन्होंने एक ऑफर यहाँ पे अपना एक टैगलाइन दिया हुआ है ऑफर्स के लिए, ऑल्स फेयर इन लव एंड सेल, यानी सब कुछ जायज़ है प्यार और सेल में। इसमें कई तरह के इसमें ऑफर्स हैं, कपड़ों से लेके गिफ्ट्स तक लेकर सब तरह के ऑफर हैं। 40% से 70% तक ऑफ दिया गया है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अलग तरीके का अंदाज़ है लोगों को ऑफ़र देने का, एक मार्केट को बड़ा करने का और प्यार के इजहार करने का। कहीं मैं कुछ और भी आपको वेबसाइट्स दिखाना चाहूँगी जहाँ पे ये एक ब्यूटी वेबसाइट है जहाँ पर मेकअप का सामान ज़्यादा मिलता है और लड़कियों को क्योंकि मेकअप का सामान काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो इसमें दिया गया है लव ब्यूटी सेल, इसमें भी 40% ऑफ दिया गया है और ये वेबसाइट भी काफ़ी रेड कलर में बनाया गया है। 60% तक ऑफ वैलेंटाइंस डे के लिए भी इसमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन वेबसाइट्स और कमर्शियल वेबसाइट्स भी इस वैलेंटाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए ऑफर्स निकालती रहती हैं। शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी ओकेशन हो, लोग खुद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन केक्स, चॉकलेट्स, ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही देते हैं। ठीक इसी तरह त्योहारों के मौकों पर और स्पेशल डेज पर कमर्शियल वेबसाइट्स भी अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर्स निकालती रहती हैं। तो मौका वैलेंटाइन का है, बाजारों में एक से एक खूबसूरत गिफ्ट्स की होड़ लगी हुई है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज गिफ्ट्स के साथ साथ कई अन्य तरीके के ऑप्शंस लेकर आई हैं। चाहे गुलाब का फूल हो या फिर चॉकलेट या फिर अन्य गिफ्ट, लोगों को ऑनलाइन कई तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग की एक खास बात ये भी है कि यहाँ लोग न केवल गिफ्ट आइटम बल्कि अन्य चीजें सुपर ऑफर्स पर भी ले रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में लोग मार्केट से गिफ्ट्स या कुछ भी खरीदना काफ़ी कम कर चुके हैं। ऐसे में वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है तो लोग ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजना, केक्स, चॉकलेट्स, टेडी बियर ये सब भेजना ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही टेडी बियर विक्रेता जो कि जिनसे हम पूछेंगे कि इस वैलेंटाइन वीक ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से उन पर कितना असर पड़ा है। मेरा नाम अनूप है। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आपको कितना असर दिखा है इस बार? बहुत असर पड़ गया है, तो सेल वोल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कितना असर पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। जो आते हैं ऑनलाइन के ही बताते हैं ऑनलाइन में इतना मिल रहा है, ऑनलाइन में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो फर्क पड़ ही गया है। फिर भी दिन में कितने लोग आ जाते होंगे आप? दिन में जो भी आते हैं सब कहते हैं ऑनलाइन में इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है। मतलब जितने लोग आते हैं दिन में उनमें से मतलब बहुत ही कम लेके जा रहे हैं? बहुत कम लेके जा रहे हैं। फिर आपके पास मतलब फिर भी आपके रेंज क्या रखी हुई है आपने? रेंज तो कम ही है सारा। आप बता रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन पे डिस्काउंट मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है, तो आपने क्या मतलब ऑनलाइन से कम या ज्यादा कितने रेट से? कम ही है, फिर भी कहते हैं ऑनलाइन में इतना हाई है, वो अब क्या कीजिएगा। तो ये कितने, जैसे कि ये वाला दिल है ये कितने का है? ये 100 रुपीज का है। और ये वाला? ये 400 की है। और जैसे आपके यहाँ पे फिर इस बार सबसे ज्यादा क्या बिका है? मतलब अब तक आपने जो टेडी वगैरह बिक रहा, जिस तरह बिकता सेल होता था उस तरह सेल नहीं होता। चलिए अब आपको बताते हैं वैलेंटाइन वीक के दौरान गिफ्ट का बाजार कितना बड़ा है। वैलेंटाइन वीक के दौरान चॉकलेट्स का बाजार लगभग 1,000 करोड़ का रहा है। गुलाब के फूलों का बाजार लगभग 500 से 700 करोड़ का है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि आने दिनों में 15 से 20 रुपए में मिलने वाले एक गुलाब की कीमत वैलेंटाइन वीक में 70 से 85 रुपए की हो चुकी है। यानी वैलेंटाइन वीक में एक गुलाब की कीमत में 4 गुना का इजाफा हुआ है।
R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।